हो गई है, मैंने ब्रश कर लिया है, अब मैं छत पे जा रही हूँ। वो जो कल लाए थे पानी रखने के लिए, वो जाके छत पे रख के आ जाती हूँ। मैंने अब मैं जा रही हूँ छत पे रखने। अगर मैं इस पे रखती तो गिर जाता नीचे। पहले भी हमने रखा था तो नीचे ही गिर गया और सारा टूट गया। अच्छा वो उस टाइम गली में कोई नहीं था, वरना चोट भी लग सकती थी। अगले दाना इधर इसमें रख देती हूँ। थी तो नहा भी लिया मैंने, क्योंकि फिर बाद में आना पड़ता, इसलिए अभी नहा लिया। अब मैं ना पेड़ पौधों में पानी डाल देती हूँ। ना अच्छा लगता है ऐसे करना। तीन दिन से यही काम हो रहा है। तो ना इधर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कबूतर नीचे आते ही नहीं है। अभी देखा मैंने, एक आया ऊपर और फिर चला गया। तो इधर ही रख देते, इधर रख के ना खा भी लेंगे वो लोग। अब मैं जाऊँ नीचे, देखती हूँ मम्मी ने क्या बनाया है, तो वो खाऊंगी। फिर कल ही मेरा पीरियोडिक है तो पढ़ना भी है। दो ही चैप्टर हो गए थे, डाल दिया मैंने एक, अभी दो दिन है, हो ही नहीं पाया। मैं इस तरफ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा रहता है, अगर ये गेट बंद हो जाए ना तो इधर अंधेरा आ जाता है। तो सोच रही कि लाइट लगा दूँ, ये वाला हटा के जो लाल वाला लगा है, तो अभी लगा देती हूँ। कोई क्या हो गया, इधर का खोखला था, ये भी निकल गया, हाथ लगा देती। अब सही है, रूम में रोशनी ही रोशनी चारों तरफ। तो अभी मैं खा रही हूँ कचौड़ी और सब्जी, मेरी बहन लेके आई है बाहर से। मम्मी ने कितना कुछ बनाया। ये है सोयाबीन आलू, ये मम्मा ने बनाया है रोटियां। विराट आ गया, देखो विराट से मिलो। हैं विराट, हेलो बोलो। देखो सब आ गए, यह मेरी मौसी डब्बू, ये है आंचल। पहले दादा के पास जा रहे हैं, उनको ढूंढ रहा है कि दादा का है। आशीर्वाद लिया सबसे पहले। सबसे पहले आपको ही ढूंढ रहा था ये। चश्मा रख के गया तो उधर, अभी इसने देखा, बोले मेरा पहले का चश्मा। मम्मी सबके लिए चाय बना रही है। सब आ गए, अभी सब फ्रेश होने गए, ट्रेन से आए थे ना तो थक गए। बहुत बुरी आदत है इसकी, फोन चलाते चलाते खाना खाता है। खाना खा लिया मैंने, अब मैं जा रही हूँ पढ़ने। प्रैक्टिस पेपर भी मैंने सॉल्व कर लिया, कि इंग्लिश का जो पीरियोडिक टेस्ट हुआ था वो पूरा प्रैक्टिस पेपर से ही आया था, तो इसलिए मैंने केमिस्ट्री के लिए भी ना प्रैक्टिस पेपर ही तैयार कर लिया। देखते हैं अब कल क्या आएगा। कल हमें शायद जल्दी उठना पड़े स्कूल जाने के लिए, क्योंकि छोटे पापा पहले में छोड़ने जाते थे, उनको कल 5 बजे ही निकलना है। और फिर अगर इधर से हम चल के जाएंगे या फिर रिक्शे से जाएंगे तो रिक्शा जल्दी मिलती भी नहीं है। अभी छोटे पापा बोल रहे थे कि विराट और डब्बू का एडमिशन करवाएंगे, तो मैंने बोला कि विराट का एडमिशन करवाओगे तो उसके साथ उसको ना एकेडमी में भी नाम लिखवा देना, ताकि वो स्पोर्ट्स भी कर पाए। विराट का मन है खेलने का, तो फिर बोल रहे छोटे पापा नहीं, पहले पढ़ाई पर फोकस करने दे, ये तो बाद में भी हो जाएगा। लेकिन अगर अभी नहीं हुआ ना तो फिर बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 9th के बाद से पढ़ाई ज़्यादा हार्ड हो जाती है, उसमें फोकस करना पड़ता है। तो अगर अभी ही कर ले ये चीज़ तब ज़्यादा सही है।
वही मैंने समझाया, मैंने एकेडमी भी ढूंढ ली, बस अभी छोटे पापा को मनाना है कि वो उसका एडमिशन करवा दे उधर। आज है गोभी की भुजिया, रोटी, चावल और आलू गोभी की सब्जी। मैंने अब मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।